नागपुर जिले में अंशतः अनुदानित 20%, 40%, 7% शाला है। इन शाला में काम करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है, क्योंकि वेतन अनुदान रहकर भी उस वेतन अनुदान का उपयोग दूसरे निधि के लिए किया गया है और वेतन अनुदान की मांग न करने की वजह से आज शिक्षकों को वेतन से वंचित रहना पड़ा है। ये गंभीर बात नागपुर में हुई है। इस विषय पर भाजपा शिक्षक आघाड़ी के पूर्व विदर्भ अध्यक्ष अनिल महादेवराव शिवनकर के नेतृत्व में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जिला परिषद नागपुर को तत्काल वेतन अदा करने का ज्ञापन सौंपा गया है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। भाजपा शिक्षक आघाड़ी के बहुत पदाधिकारी उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए मौदा से संजय गिरडे की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप। आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठलीही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।